अब तक मैंने जितने भी आप लोगों को बिजनेस आइडिया दिए हैं, वे बिजनेस आइडिया या तो मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको अपने घर पर प्रोडक्ट बनाना है या मार्केट से कहीं से खरीद के लाना है, वे बिजनेस आइडिया शायद आप लोगों को पसंद आए नहीं आए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्हें मेरे आइडिया शायद ही सच में बहुत ही अच्छे लगे थे। तो उसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया जिस बिजनेस आइडिया को शायद आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने भी देखा होगा, उसको लोगों को करते हुए भी देखा होगा, लेकिन आपके मन में एक बार भी उस बिजनेस आइडिया को लेकर ख्याल नहीं आया होगा। ये बिजनेस आइडिया जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये हर गली हर मोहल्ले हर गांव, क्या बड़ा शहर क्या छोटा शहर, हर जगह ये बिजनेस आइडिया चलता है भाई साहब। अगर आपने इस 2024 के अंदर इस बिजनेस को कर लिया, लेकिन आपको मैं देखो आज बता रहा, आपको आज स्टार्टिंग में 5,000 रुपए लगाने, 5,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगाना, 5,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगाना। हाँ, अगर आपके पास बजट है 10-20 हजार रुपए का, तो आप फिर और अच्छे तरीके से उस बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में 5,000 रुपए, तो भाई साहब आज ऐसा बिजनेस आइडिया देकर जाऊंगा, इस 5,000 रुपए के अंदर तुम महीने के 50,000 रुपए ना कमाने लग जाओ ना, तो कमेंट में गाली लिख देना, मुझे कुछ भी लिख देना, जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख कर चला जाना, अगर मेरा बिजनेस आइडिया आपको ना पसंद आया ना अच्छा लगा हो। तो आज भी दोस्तों मेरी वही बात रहेगी कि चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना, ना ही वीडियो को लाइक करनी और ना ही वीडियो को शेयर करनी। करना है तो 2024 के अंदर हमें सिर्फ अपना बिजनेस सेटअप करना है, ताकि हम अपनी इस बेरोजगारी को अपनी इस गरीबी को इस 2024 के अंदर ही बिल्कुल खत्म कर दें। 2025 में हमारी अगर जिंदगी हो तो एक खुशहाल जिंदगी हो। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अक्सर मुझे कहते सुना होगा कि इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना। दोस्तों देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को कहानी क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। देखो मैं भी मेहनत करता हूं, मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं कहा कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाना, आपसे वीडियो को लाइक करवाना। देखो अगर आपको मेरी बात पसंद आएगी तो शायद बहुत से लोग होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को अच्छा आइडिया देना, और ताकि आप इस 2024 के अंदर अच्छा खासा अपना बिजनेस आइडिया कर सको, या मतलब बिजनेस कर सको। मेरा काम है आप लोगों को आइडिया देना। मैं अभी जो आज का मैं बिजनेस आइडिया हूं, देखो मैं आपको बताता हूं कि मैं पिछले 3-4 दिन से उसके बारे में सोच रहा हूं। मैंने अपने लोकल एरिया में जाकर पहले उस बिजनेस को देखा कि ये मान के चलो कि जो उस बिजनेस को कर रहा ना वो बंदा महीने के ये मान के चलो कि 40-50 हजार रुपए बड़ी आराम से कमा रहा है, और मात्र 5-6 घंटे काम करके। मैंने उस बंदे से जब बात करी ना यार, उस आदमी की उम्र कम से कम 50 साल उम्र होगी, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो मैं उसने बताया कि भाई मेरे पास तो ये मान के चलो कि स्टार्टिंग में 3-4 हजार रुपए थे जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया। आज मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मैंने अपने घर पर भी एक अच्छी खासी दुकान खोली हुई है, और मैं अब लोगों को भी माल अपना सप्लाई कर रहा हूं। तो बिजनेस आइडिया दोस्तों क्या होने वाला है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखो आप किसी भी सैलून पर जाते हो जहां पर आप अपनी कटिंग वगैरह कटाते हो, दाढ़ी वगैरह बनवाते हो, सेविंग वगैरह बनवाते हो, हमारे यहाँ लोकल में दाढ़ी बनवाना बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वहां देखा होगा कि उस सैलून के ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई जो वहां पर काम करने वाला है, जो नाई वगैरह बोलते हैं, कि उसे आप लोगों ने कभी भी सामान खरीदते हुए किसी दुकान पर नहीं देखा होगा, क्योंकि जो उस दुकान पर प्रोडक्ट होते हैं ना, वे किसी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट नहीं होते, उनकी कंपनियां ही अलग होती है भाई साहब। जो वे प्रोडक्ट यूज करते हैं वे अलग ही कंपनी के होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट आता है वो अलग ही तरीके का प्रोडक्ट आता है। अब मेरे साथ हुआ क्या, मैं अभी पिछली बार एक दुकान पर गया जो हमारे यहाँ लोकल में थी, तो वहां पर जैसे ही मैं उस दुकान पे गया तो एक बाइक लेकर एक अंकल जी आए, जो मैंने जैसे ये भी बताया आपको कि उनकी उम्र 40-50 साल होगी। तो जब वे आए तो उन्होंने पीछे बाइक के अपने इतना बड़ा ही मान के चलो कि मतलब 3 फीट का उन्होंने एक लोहे का जाल सा बनवा रखा, और उसके अंदर उन्होंने जो सैलून पर प्रोडक्ट, यानी कि जो नए की दुकान है उस पर प्रोडक्ट यूज होते हैं, वे सारे प्रोडक्ट उन्होंने उसके अंदर लगा रखे। और भाई साहब जब उस व्यक्ति ने जिस दुकान पर वो गया, तो उसका टोटल जो बिल वहां से बना उसने
1300 कुछ रुपए का सामान खरीदा उन अंकल से। अब जब मुझे वो बात अच्छी लगी, भाई यार एक दुकान पे ही अंकल जी ने 1300-1400 रुपए की सेल कर दी। अब मैंने मेरे मन में बात हुई कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। तो मैंने जब उन अंकल जी से बात करी, मैंने पूछा कि अंकल जी ऐसे आप कितनी दुकान दिन में को कवर कर लो, तो उन्होंने कहा कि मैं 20-30 दुकान डेली की कवर कर लूँ, 4-5 घंटे आराम से काम करूँ। क्योंकि क्या हो, देखो एक अगर आपने गाँव में लिया ना, एक गाँव में भी 5-6 दुकान होती है आज के टाइम में, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो या बड़ा सैलून हो गया, ठीक है। लेकिन छोटी से मैं आपको गाँव की बात बता रहा हूँ, गाँव में अक्सर लोग शहरों में सामान लेने जाया करते हैं। अब कितना अच्छा होगा कि जो गाँव में आपके 5 दुकान है उनकी दुकान पर ही उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ये मान के चलो कि जैसे देखो वहां से हर कोई सोचता है, हर कोई आज के टाइम में 1-1 रुपए बचाने की सोचता है। लोग सोचते हैं कि भाई मुझे शहर जाना पड़ेगा, सामान खरीद कर लाना पड़ेगा, वहां मेरे 2 रुपए ज्यादा खर्च होगा, क्यों ना यहाँ से ही 1 रुपया मेरा ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन यहाँ से ही ले लूं। अंकल जी से पूछा मैं, अंकल जी जैसे आपने यहाँ 1350 रुपए का सामान दिया, 1300 कुछ रुपए का उनका वहां बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें मेरे कम से भी कम ये मान के चल कि 300 रुपए मेरे इसमें पूरा प्रॉफिट है, 1000 रुपए का मैंने से प्रोडक्ट दिया। तो मैं सोचा कि ये अंकल जी ने भाई एक ही दुकान से 300 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब बंदा इस तरीके से कितना का? वो कहने लगे कि जरूरी नहीं कि हर दुकान पे 1300, कोई 100 का भी खरीद ले, किसी को ऐसा भी कि 10-20 रुपए का ही सामान चाहिए, किसी ने छोटी सी कोई क्रीम की टूप ही ली है, तो ऐसा नहीं कि हर दुकान पे से आपको 300 रुपए का ही प्रॉफिट होगा या हर कोई आपसे 1300-1400 रुपए का सामान खरीद देगा। उन्होंने कहा कि सब तरीके के कस्टमर है मेरे, कोई 10-20-50 वाला भी है, कोई 1000 वाला भी, कोई 2000 वाला। उन्होंने कहा कि मैं डेली के आराम बड़े आराम से अपनी बाइक का तेल वगैरह खर्चा निकाल के 1500-2000 रुपए बड़े आराम से कमा लूं। अब भाई साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा बिजनेस आइडिया, तो इसलिए मैं आपको ये बताना आ गया। आप यकीन मान के चलो कि यदि आपने इस सैलून वाले प्रोडक्ट के जो बिजनेस को अगर कर लेना, देखो आपके पास 10-20 हजार रुपए हैं तो आप अपने एरिया में एक छोटी सी दुकान भी खोल सकते हो, अपनी दुकान पर प्रोडक्ट को रख सकते हो, और जो आपके आसपास के एरिया में, आसपास के गांव में, आपके आसपास शहर में जो दुकान है उन जाकर पहले विजिट करना है, उन्हें बताना कि भाई ऐसे से आपके प्रोडक्ट अब से वहां मिलेंगे, तो वे लोग आपकी दुकान पर आएंगे। इस तरह के भी आप कर सकते हो। अगर आपका बजट 10-20 हजार का नहीं है, आपका बजट 5000 रुपए का है, तो आपको करना क्या है, देखो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली सदर बाजार चले जाना, आंख मीच के चले जाना, हर तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। और ये मान के चलो जो उनकी दुकान पर सैलून का प्रोडक्ट यूज होते हैं वो 20-20-30 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं, आपको 5000 रुपए का स्टार्टिंग में सामान लेकर आना। देखो सामान किस तरीके से लेकर आना, पहले आपको 2-3 सैलून ये जो नाई की दुकान है उन पर जाकर देखना पड़ेगा, और उन जाकर देखने के बाद वहां देखना पड़ेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरीके का प्रोडक्ट यहां दुकान पे मेरे एरिया में चल रहे हैं। उसी तरीके के प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में मात्र 5000 रुपए का सामान खरीद के लाना है। यदि आपके पास बाइक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास बाइक नहीं है तो आपके पास साइकिल तो जरूर होगी। साइकिल पर आपको छोटा सा अपना एक सेटअप लगाना है, उसमें अपने प्रोडक्ट रखने हैं, और इसी तरीके से आपको 5-6 घंटे में कम से कम 20-30 दुकानें विजिट करनी है स्टार्टिंग में। हालांकि शायद आप लोगों से वे सामान ना खरीदे क्योंकि वे किसी पुराने कस्टमर होंगे, लेकिन जब उन्हें आप थोड़ा सा लालच दोगे, 1-2 रुपए कम दोगे स्टार्टिंग में, पड़ी आपका मुनाफा कमाओ, आप पढ़े पहले दिन सब खर्चे निकाल के 500 रुपए कमाओ, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अपने कस्टमर बनाने, दिल्ली सदर बाजार से आपको सामान खरीद के लाना, ये मैंने बता दिया। कुछ नहीं करना यार, आपको 10 रुपए का खरीद के लाना, स्टार्टिंग में 20 रुपए का आपको बेचना, सिर्फ सीधा सा फंडा है आपका। प्रॉफिट की बात करो, मैं यकीन मान ला जिस दिन आपने 20-30 कस्टमर अपने बना लेना, डेली के 20-30 कस्टमर आपके बन गए, तो डेली के 1500-2000 रुपए कमाओगे, महीने के 50-60 हजार रुपए आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली सदर बाजार में देखो मैं बता रहा, YouTube पे बिल्कुल सर्च ना करियो कि YouTube पे जो सस्ते प्रोडक्ट है वे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं समझता हूं कि वीडियो में किस तरीके से लोग बेवकूफ बनाते हैं, 1 रुपए की चीज दिखा रहे, 50 पैसे की दिखा रहे। सीधा आपको पैसे लेकर पहुंचना, दिल्ली सदर बाजार जाना, वहां से आपको किसी भी एक अच्छी दुकान पर जाना, उनसे प्रोडक्ट खरीद के खुद से लेकर आने। वीडियो देख कर जाओगे तो भाई नुकसान खा जाओगे, 5000 रुपए आपके मिट्टी में मिल जाएंगे। सीधा आपको करना क्या है, 5000 रुपए लेने हैं, 5000, देखो 5000 स्टार्टिंग में मैंने आपको बता, 1-2 हजार रुपए में कुछ नहीं होने का। आप 5000 रुपए का सामान लेकर आओगे तो उन 5000 रुपए से ये मान के चलो कि वे आपके 8000 रुपए में
तैयार हो जाएंगे 2 से 4 दिन में। ऐसी तो बात नहीं कि आपका सामान नहीं बिगड़ेगा, सामान जरूर बिकेगा, क्योंकि हर गांव में 500-600 लोन मैंने बताया, अगर आप 10 गांव भी करोगे तो 50 दुकान एक दिन में कवर कर लोगे आप। और ऐसी बात नहीं कि उन दुकानों पर सामान नहीं चाहिए, हर दुकान पर सामान चाहिए, क्योंकि सबको वहीं पर सुविधा चाहिए। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो शहर जाकर अपना सामान खरीद के लावे। तो भाई साहब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर से लिख देना, और मिलते हैं अगली एक और ऐसी धमाकेदार बिजनेस आइडिया की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।